खबर उधम सिंह नगर जनपद से है, जहां अलग अलग थाना क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने तीनों ही मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। पहला मामला किच्छा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां वृद्ध महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें वृद्ध की मौत हो गई। वहीं दूसरा मामला पुलभट्टा थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं तीसरा मामला ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के रविंद्र नगर का है, जहां रविंद्र नगर वार्ड नंबर 37 के रहने वाले शिवपद मंडल पुत्र सत्यजीत मंडल के द्वारा अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। पुलिस ने तीनों ही मामलों में मौके पर पहुंचकर मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच शुरू कर दी। रुद्रपुर से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। ये तीन अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकरण जो अलग अलग थानों से संबंधित हैं वो नॉलेज में आए हैं लास्ट 2 डेज में। और इसमें सबसे पहला एक केस जो है कल प्रकाश में आया था किच्छा थाने में, जहां पर एक वयोवृद्ध महिला है, उनकी डेथ हुई थी। तो उसमें या तो वो हिट एंड रन का केस है या उनका बाकी कोई, वो खुद भी गिर सकते हैं। उसमें जो हम लोगों ने अभी तक परिवार वालों से बात की, बाकी मृत्यु के सही कारण जानने के लिए और घटनाक्रम जानने के लिए हम लोग पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रहे हैं। जो भी फैक्ट्स आते हैं और जो भी तहरीर परिजनों के द्वारा दी जाती है, उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी घटना इसमें पुलभट्टा थाना क्षेत्र की है, जहाँ पे होटल में एक उम्रदराज व्यक्ति के द्वारा इसमें सुसाइड की घटना प्रकाश में आई है। उनके बारे में जानकारी की गई तो किच्छा के रहने वाले ही व्यक्ति हैं वो, और उनका भी बैकग्राउंड की हम लोग जानकारी कर रहे हैं। सुसाइड नोट भी हमें मिला है उनके पास से, उसकी हम लोग वैलिडिटी और बाकी डिटेल्स हम लोग उसमें चेक कर रहे हैं और पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उसमें भी एक विवाद भी प्रकाश में आया है, उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। और तीसरी घटना जो है ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक युवक के द्वारा सुसाइड किया गया है, उसमें भी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उनके जो मृत्यु के कारण हैं उसकी जानकारी की जा रही है, जिसके संबंध में परिजनों के भी जानकारी जाएंगे और जो भी तथ्य पंचायतनामा पोस्टमार्टम में आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।